हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11वां अध्याय श्लोक संख्या 28, 29 एंड 30। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मायां ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबरधरुणबिंबफल धरोष्ठांद्रसुंदर मुखात् अरविंद कृष्णात्परं किमपि तत्व अहम् न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति ये स्तवे सांगपत्क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत्कतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा देवायतस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद 11वां अध्याय, जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश। कल श्लोक नंबर 27 में सूत गोस्वामी ने हमें वो दृश्य दिखाया जब भगवान द्वारिका में प्रवेश किए तो वो कैसे लग रहे थे। इतना सुंदर उपमा दे रहे थे श्री सूत गोस्वामी। वे कह रहे हैं कि
मानो एक घनघोर बादल हो, एक घनश्याम हो और घनघोर बादल की तरह नीले रंग के घनश्याम लग रहे हैं। उनके ऊपर जो छत्र है वो चमकते हुए सूर्य की तरह, ऐसा कभी हुआ है न होगा, लेकिन फिर भी जो उपमा दे रहे हैं वो इतनी सुंदर है कि यदि ऐसा हो कि एक एकदम काले मेघ के ऊपर सूर्य चमक रहा हो और सूर्य के साथ साथ दो चंद्रमा दोनों साइड पर डांस कर रहे हो, चंचल चंद्रमा हो, और जब सूर्य और चंद्रमा होते हैं उस समय सितारे नहीं दिखते, लेकिन यदि ऐसा हो कि उस समय पूरे वातावरण में सितारे झिलमिला रहे हों और उसके साथ साथ उस मेघ के ऊपर इंद्रधनुष जो है वो रंग बिखर रहा हो अपने, और साथ में एक स्थिर बिजली, जब घनघोर घटा छा रही होती है तो बिजली की एक छोटी सी लहर आती है और चली जाती है, लेकिन स्थिर बिजली जो भगवान के पिता में जो चमक रहा था, तो इस तरह से वैसे तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन यदि ऐसा हो तो वो मेघ जितना सुंदर लगेगा उतने सुंदर भगवान श्री कृष्ण उस समय लग रहे थे। तो इतने सुंदर भगवान श्री कृष्ण की वास्तव में कितना कमाल है, ये श्री सुखदेव गोस्वामी और सूत गोस्वामी की ये विशेषता है कि वो भगवान के विषय में जो भी बात बताते हैं वो इतना डिटेल से बताते हैं कि मानो समाधि लग जाए व्यक्ति की। कितना सुंदर उनका बखान करते हैं भगवान की एक एक अंग का, भगवान की एक एक झलक को इतना सुंदर तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि मानो बस देख लिया ऐसे ही होंगे। तो अब वो बता रहे हैं श्लोक नंबर 28 में कि वो सबसे पहले कहाँ गए, क्योंकि अब नगर में प्रवेश किया है तो भगवान का घर है, तो जाहिर है भगवान अपने घर में तो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले कौन से कमरे में गए, किससे मिले, उसके विषय में बता रहे हैं। कृपया मेरे साथ साथ अध्ययन कीजिए। सुत गोस्वामी कह रहे हैं, प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिष्वक्त स्वमात्रिभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिष्वक्त स्वमात्रिभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिष्वक्त स्वमात्रिभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। सुत गोस्वामी कह रहे हैं, प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो, प्रविष्टस्तु मतलब भगवान प्रवेश कर रहे हैं कहाँ पर, तू लेकिन गृहं घर में, पित्रो यानी पिता के, सबसे पहले भगवान की हालांकि 16,108 पत्नियां थी, लेकिन भगवान जानते हैं कि जितना पत्नियां मेरा इंतजार कर रही हैं तो माता भी इंतजार कर रही, कब से इतने समय से मैं नहीं था। तो सबसे पहले ये भगवान शिष्टाचार बता रहे हैं आज के जीव को कि माता का पहला अधिकार है हमारे ऊपर, इसलिए भगवान सबसे पहले कहाँ गए, प्रविष्टम तु गृहं पित्रो, अपने पिता के रूम में जहां पर सारी मात्रें, परिष्वक्त स्वमात्र भी, सारी माताएं भगवान को देखकर फौरन से उनको आलिंगन करने लगी। सबसे पहले भगवान अपनी माता के घर में जा रहे, सारा संसार जिन भगवान के दर्शन करने के लिए व्याकुल है, वो भगवान इतने समय के बाद आयद्वारी का पधारे, बहुत सारा धन हमने जैसे पढ़ा कि क्योंकि वो जब आ रहे थे तो अलग अलग गांवों से होते हुए आ रहे थे, अलग अलग शहरों से, तो सबने बहुत सारा धन दिया था, सब कुछ ने उनके पास बहुत समृद्ध थे, लेकिन सबसे पहले वो अपनी माता के पास गए हैं।
अब माता के साथ मिले कैसे हैं। माता ने उनको प्रणाम करने का अवसर ही नहीं दिया। जैसे ही कृष्ण को देखा तो परिश्वक्त स्वमात्री भी फौरन से उनको आलिंगन किया। इतने समय से मेरा बच्चा नहीं था, देखते ही आलिंगन किया, भगवान को प्रणाम करने का भी समय नहीं दिया। और यहाँ पर लिखा है स्वमात्री भी, मातृ भी बहुवचन में है, बहुवचन मतलब ज्यादा माताएं। जैसा कि हम जानते हैं कि देवकी के टोटल देवकी मैया के साथ साथ सात बहनें थी, टोटल देवक महाराज देवक की पत्नियां पुत्रियां थी। उन सातों बेटियों को वासुदेव के साथ उन्होंने ब्याहया था, यानी वो सातों जो बेटियां थी, यहाँ पर लिखा हुआ है ना सप्त ववंदे शिरसा सप्त, सातों को भगवान ने पहले तो उन्होंने आलिंगन किया है ना, और सातों को भगवान ने शिरसा प्रणाम, ववंदे मतलब उनका उनको नमस्कार किया, शिर से सर को उनके चरणों में रख के सातों के। अब एक साथ क्योंकि भगवान विभु हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है, तो एक साथ सातों माताओं के चरणों पे अपने सिर को रखा, मतलब जितनी माताएं हैं उतने भगवान के स्वरूप हैं, और सब जो है वो भगवान सबके साथ एक जैसा, ऐसा नहीं कि वो माता बोले बेटी रहे इंतजार करे पहले उसकी बारी होगी फिर मेरी बारी आएगी, नहीं, सारी माताओं को एक साथ प्रणाम किया, जिनमें देवकी प्रमुखात्मदा, यानी कि देवकी भले उनकी प्रमुख माता है, उनकी जननी है, लेकिन फिर भी भगवान सबके साथ एक जैसा व्यवहार कर रहे। वैसे तो वसुदेव जी की 18 पत्नियां हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है परिश्वक्त स्वमात्री भी, सारी माताओं ने पहले भगवान को आलिंगन किया और सारी माताओं को भगवान ने प्रणाम किया, और इस तरह से सारी माता, क्योंकि माता जो है वो पुत्र को देखते ही बहुत ज्यादा प्रेम उसका उमड़ता है, और किस तरह से उसका प्रेम उबड़ा वो तो है ना अगले श्लोक में बताएंगे। अभी अनुवाद देखिए, अपने पिता के गृह में प्रवेश करने पर उन्हें उनकी माताओं ने गले लगाया और भगवान ने उनके चरणों पर अपना शिर रखकर उन्हें नमस्कार किया। माताओं में देवकी उनकी असली माता प्रमुख थी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा लगता है कि कृष्ण के पिता वसुदेव का अपना अलग से आवास था, जहाँ वे अपनी 18 पत्नियों समेत थे, जिनमें से श्रीमती देवकी ही श्री कृष्ण की असली माता हैं, लेकिन इतने पर भी अन्य सौतेली माताएं उन्हें समान रूप से प्यार करती थी, जैसा कि अगले श्लोक में पता चल जाएगा। भगवान कृष्ण भी अपनी असली माता तथा वी माताओं में कोई भेदभाव नहीं करते थे, और उन्होंने उस अवसर पर उपस्थित वसुदेव की समस्त पत्नियों को नमस्कार किया। शास्त्रों के अनुसार भी सात प्रकार की माताएं होती हैं। अब यहाँ पर वैसे तो देवकी के सात बहनें जो थी वो वसुदेव की पत्नियां थी, ये सात भी हो सकती हैं, और श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति की सात माताएं होती हैं। कौन सी? एक तो अपनी वास्तविक माता जिसने हमें जन्म लिया, दूसरी गुरु पत्नी जो गुरु हमें शिक्षा देते हैं, उन जैसे बच्चे जब ब्रह्मचर्य होते हैं तो फिर गुरु के पास आश्रम में रहते हैं, तो गुरु माँ जो होती है वो भी माता होती है, और दूसरा ब्राह्मण पत्नी जो ब्राह्मण होता है हमारे कुल का उसकी पत्नी, दूसरा राजा की पत्नी जो रानी होती है उस जिस कंट्री में हम रहते हैं उसकी राजा की पत्नी, और पांचवी गाय माता, दूसरा धाय माता जो धाय होती है जो जन्म करवाती है, सातवां पृथ्वी माता। ये सभी माता हैं। शास्त्रों के इस आदेश से भी वे माता जो पिता की पत्नी होती है माता की तुल्य होती है, क्योंकि पिता गुरु भी होता है
विश्व के प्रभु भगवान श्री कृष्ण अन्यों को विमाताओं के साथ व्यवहार करने की शिक्षा देने के लिए एक आदर्श पुत्र की भूमिका निभाते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अभी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस संसार में एक आदर्श पुत्र की भूमिका निभा रहे हैं कि एक पुत्र जब आता है तो अगर उसकी विमाता हो कोई तो उसके साथ कैसा है ना उनको व्यवहार करना चाहिए, अपनी माता के जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, जैसा कि वो अपनी माता के लिए करता है वैसा ही दूसरी माताओं के साथ भी व्यवहार करना चाहिए। आगे सूत गोस्वामी अत्यंत ही सुंदर माताओं के स्नेह, भगवान माता जो है ये सारी उनके अंदर भगवान के लिए कितना स्नेह है और वो उस स्नेह को कैसे व्यक्त कर रही हैं, बिल्कुल एक विलक्षण झांकी दिखा रहे हैं, अत्यंत ही सुंदर रीति से बता रहे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण जो कि कुरुक्षेत्र के युद्ध से लौटे हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान जब वो भगवद गीता सुना रहे हैं उस समय भगवान की उम्र लगभग 100 साल थी और 100 साल का बच्चा जब होता है तो उसके साथ यहाँ साधारण अगर हम देखें तो उसके साथ माता का कैसा व्यवहार होता है, लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण अपनी माताओं के पास आए हैं, उनकी आयु लगभग 100 साल है। अब देखते हैं माताएं उनके साथ किस प्रकार से स्नेह कर रही हैं। श्लोक नंबर 29। ता पुत्रमंकमारोप्य स्नेहस नुतपयोधरा हर्ष विह्वलितात्मानः शिशिर्षु नेत्र जर्जलय ता पुत्रमंकमारोप्य स्नेहस नुतपयोधरा हर्ष विह्वलितात्मानः शिशिर्षुर्नेत्र जर्जलय ता पुत्रमंकमारोप्य स्नेहस नुतपयोधरा हर्ष विह्वलितात्मानः शिशिर्षुर्नेत्र जर्जलय ता पुत्रमंकमारोप्य ता पुत्रम वे सभी अपने पुत्र को अंकम अंकम मतलब अपने गोद में आरोप्य यानी बिठाया। अब जब उन्होंने अपने बच्चे को देखा इतने समय से मेरा बच्चा दूर गया हुआ है, पता नहीं उसने सही खाया, बस माता की एक ही चिंता होती है कि बच्चा मेरा नहीं है नहीं था पर उसने खाया नहीं होगा, उसको अच्छे से उसकी पसंद का किसी ने बना के नहीं दिया होगा, ये वैसे भी खाने का बहुत शोर है खाता नहीं है तो पता नहीं इतना कमजोर हो गया बच्चा कहीं से भी आएगा ना माता के मन में यही इच्छा हो रही होगी कि मैं उसको कुछ अच्छा सा खिलाऊं, पता नहीं वहां कुछ खाया होगा नहीं खाया होगा तो ऐसा मन में आ रहा है, उसको गोद में बिठा रही है भगवान को। और जैसे ही भगवान को अपने अंक में अपने गोद में बिठाया है तो स्नेह स्नुत उनका प्रेम जो हृदय के अंदर था वो उमड़ने लगा और पयोधरा कहते हैं वक्षस्थल में दूध आने लगा। मतलब अभी भगवान इतने बड़े हैं, अब देखते हैं लोक में अगर हम देखें ये प्राकृत जगत के अंदर भगवान के साथ किसी का कैसा संबंध होता है ना उसकी झलक दिखा रहे हैं। इस संसार में हम देखें माता के स्तनों में दूध कितने समय तक होता है, 1 साल 2 साल, जब तक बच्चा खाना पीना शुरू करता है तब तक माता का दूध स्तन से खत्म हो जाता है, लेकिन आज 100 साल का बच्चा उनकी गोद में आया है और 100 साल का बच्चा 100 साल पहले जिसका जन्म, और दूसरी बात ये कि वो कृष्ण तो इन सब माताओं के गर्भ से जन्म भी नहीं लिया, केवल देवकी का ही पुत्र था, लेकिन फिर भी सारी माताएं जब भगवान को गोद में बिठा रही हैं तो ये अप्राकृत जगत में संबंध जो होता है वो शाश्वत होता है, चाहे
भगवान कितने बड़े हो जाएं, लेकिन माता के लिए वो शिशु ही हैं। यहाँ संसार में ऐसा नहीं होता, समय के साथ साथ वो भावनाएं चेंज हो जाती हैं, हमारे अंदर जो उसके लिए प्रेम होता है उसमें चेंज, लेकिन प्राकृत जगत में और अप्राकृत जगत में संबंध जो है वो बिल्कुल भिन्न होता है। अप्राकृत जगत में हर संबंध जो है वो शाश्वत होता है। तो उसकी एक झलक दिखा रहे हैं कि जैसे ही कृष्ण को गोद में बिठा, वो पलंग में बैठी कृष्ण को गोद में बिठाया तो उनके वक्षस्थल से दूध निकलने लगा। वास्तव में कितना अद्भुत दृश्य है ये कि भगवान के साथ स्नेह जो है वो हमारा एक एक अंग जो होता है ना, वो भगवान के साथ स्नेह दिखा रहा होता है कि कृष्ण कितना प्रेम करते हैं, कितनी चिंता है माताओं को कि हमारे बच्चे ने कुछ खाया होगा नहीं खाया होगा, तो उसकी वजह से आगे हर्ष इतना भगवान को देखकर उनको प्रसन्नता हो रही है, इतना खुशी हो रही है। विह्वलित आत्मानः, और वो इतना आत्म विभोर हो रही है, भगवान को देखकर इतना उल्लास हो रहा है उनको दिल में। सारी माताएं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम बच्चे को किस तरह से प्यार करें, हमारा बच्चा इतने समय से आया हुआ है। तो क्या हुआ कि जैसे ही भगवान को देखा, पहले तो उनको गले से लगाया, फिर भगवान ने जैसे उनको चरणों में प्रणाम किया तो उन्होंने डायरेक्ट से उनको उठाकर स्नेह से अपनी गोद में बिठाया, और जैसे गोद में बिठाया तो उनके वक्षस्थल से दूध बहने लगा, और वो हर्ष से इतना ज्यादा विह्वल थी कि शिशिचु यानी नाम नेत्र जय जले, आंखों से जल की धाराएं बहने लगी। अब भगवान जैसे गोद में बैठे हुए हैं और उनके वक्षस्थल से दूध चल रहा है, झर रहा है, और नेत्रों से आंसू झर रहे हैं, मतलब उनका पूरा शरीर जो है वो भगवान का अभिनंदन कर रहा है, भगवान से प्रेम। पूरा शरीर, जो प्राकृत शरीर है, वो भी भगवान के साथ अपने स्नेह को दर्शा रहा है। ऐसा माना जाता है कि यदि माता पिता के स्नेह के अश्रु संतान के शरीर पर गिरे तो वो निरोग रहता है, वो हमेशा संतुष्ट स्वस्थ रहता है। अगर माता पिता के नेत्रों से अश्रु उसके शरीर पे, तो आज तो भगवान को, वैसे तो भगवान को कभी रोग कोई हो नहीं सकता, लेकिन माताएं अपने स्नेह के जल से भगवान का अभिषेक करा रही हैं। अनुवाद देखिए, माताओं ने अपने पुत्र का आलिंगन करने के बाद उसे अपनी अपनी गोद में बिठाया, शुद्ध स्नेह के कारण उनके वक्षस्थल से दूध निकल आया, वे हर्ष से विभोर हो गईं और उनके नेत्रों से के अश्रुओं से भगवान भीग गए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। जब भगवान वृंदावन में थे तो गौवें थी गौवें भी उनके पति से स्नेहर हो उठती थी, और वे उनके थनों से दूध दुह लिया करते थे। तो उनकी विमाताओं क्या क्या कहना जो उनकी माता तुल्य। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान को देखकर तो पशु जो है वो भी स्नेह से युक्त हो जाते हैं। पशु की क्या बात करनी, जो पत्थर है ना उनके हृदय में भी प्रेम मर आता है। तो ये तो भगवान की माता तुल्य थी, विमाता है तो क्या, लेकिन फिर भी वो भगवान से कितना स्नेह कर रही है उसका दृश्य दिखा रहे हैं यहाँ पर सुत गोस्वामी। तो ये तो स्वाभाविक ही है कि माताओं का स्नेह भगवान के लिए उमड़ रहा है, ये अप्राकृत जगत का संबंध है, तो वो तो शाश्वत ही है। अब सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि माताओं से मिलने के बाद भगवान कहाँ जा रहे हैं, अत्यंत ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं। श्लोक नंबर 30 में देखिए, अथाविशत् स्वभवनम् सर्वकामम् अनुत्तमम् प्रसादा यत्र पत्नीना सहस्राणि च षोडश। अथाविशत् स्वभवनम् सर्वकामम् अनुत्तमम्
प्रसादा यत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश अथाविशत् स्वभवनम् सर्वकामम् अनुत्तमम् प्रसादा यत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश अथाविशत् अथ मन उसके बाद माताओं से पिता से तो वो नीचे ही मिल गए थे क्योंकि पिताजी तो नीचे मिलने आए थे अब माताओं से मिलने के बाद अथ अवश्य अथा विशत विशत यानी प्रविष्ट हुए कहाँ पर आए स्वभवन अपने महल तो यहाँ प्रश्न उठता है अपना महल भगवान के तो बहुत सारे महल होंगे क्योंकि बहुत सारी पत्नियां होती हैं महल अपना वही होता है जहाँ पर मेरी पत्नी अब पत्नी तो भगवान की कितनी आगे बताते हैं सहस्राणी से षोडश सहस्राणी मतलब हजार च मतलब एक हजार नहीं षोडश 16,000 है ना तो भगवान की तो 16,000 पत्नियां तो कौन से भवन में गए तो आगे क्योंकि ये पहले ही बता चुके हैं कि भगवान विभु हैं सर्वशक्तिमान हैं तो भगवान एक साथ अपने सारी पत्नियों के पास गए जितने भी भगवान के हर पत्नी के पास एक रूम था एक भवन था बड़ा सा प्रसादा प्रसाद मतलब महल था एक है तो जहां पर प्रसादा यत्र पत्नी नाम यत्र मतलब जहां पर पत्नियों को 16,108 पत्नियों सहस्राणी च षोडश 16,100 पत्नियों को जहां पर भगवान ने रखा है वो सारे महल हैं और भगवान वहां पर गए हैं अथाविशत स्वभवनम वो सब भगवान के भवन है और वो कैसे हैं सर्व कामम अनुत्तमम वो सब प्रकार की भोगों की सामग्री उसमें प्रचुर मात्रा में है यानी कि सर्व कामम जो इच्छा की जा सकती है वो सारी वस्तुएं वहां पर अनुत्तमम दिव्य जगत की सारी सामग्री सबसे श्रेष्ठ वो भगवान के महल हैं जहां पर भगवान की पत्नियां रह रही हैं तो आज भगवान उन महलों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं अनुवाद देखिए तत्पश्चात भगवान अपने महलों में प्रविष्ट हुए जो सभी तरह से पूर्ण थे उनमें उनकी पत्नियां रहती थीं और वे 16,000 से अधिक थीं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान कृष्ण के 16,108 पत्नियां थीं और प्रत्येक के लिए चार दीवारी तथा उद्यान से युक्त सुसज्जित महल थे उद्यान मतलब एक गार्डन था नीचे बहुत अच्छा बनाया हुआ था पार्क वगैरह और एक खूबसूरत सा महल था हर एक पत्नी के लिए इन महलों का पूरा विवरण दशम स्कंध में दिया जाएगा वास्तव में ये जो भी अभी हम पढ़ रहे हैं ना ये दशम स्कंध की एक झांकी है क्योंकि भागवतम में भगवान की लीलाएं तो सर्वत्र हैं लेकिन जो वो खजाना है वो सब दसवें स्कंद में है लेकिन अभी से थोड़ा थोड़ा हमें टेस्ट कराते जा रहे हैं सुख गोस्वामी की कृपा है तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इनका विशेष जो वर्णन है वो तो दशम स्कंद में दिया जाएगा सारे महल सर्वोत्तम संगमरमर पत्थर से बने हुए हैं वे रत्नों से प्रकाशित थे और मखमल तथा रेशम के पर्दों तथा गालीचों से सज्जित थे जैसे यहाँ पर बताया कि सर्व कामम अनुत्तमम यानी कि जो अब उत्तम वस्तु सोच रहे हो वो सब उसके अंदर थी मखमल के गालीचे थे पर्दे थे सुंदर सुंदर रत्नों से प्रकाश इतना सुंदर भवन थे सारे जिनके किनारों पर सोने की झरी लगी मतलब पर्दे ऐसे थे और जो गलीचे थे वो ऐसे थे किनारे पर सोने की जरी लगी हुई होती और भगवान का अर्थ है जो समस्त बल समस्त शक्ति समस्त ऐश्वर्य समस्त सौंदर्य समस्त ज्ञान तथा समस्त वैराग्य से युक्त हो यहाँ पर भगवान के विषय में बता रहे ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वैर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्यस्य एव षडनाम भग इति गण यानी जो समस्त षडेश्वर्य से युक्त हो अतः भगवान के महलों में कोई वस्तु ऐसी ना थी जिससे भगवान की सारी इच्छाएं पूरी ना थी सर्व काम यानी कि सारी काम इच्छाएं
उत्तम तरीके से जहाँ पर पूरी होती है ऐसे भगवान के महल थे। तो भगवान असीम है, अतएव उनकी इच्छाएं भी असीमित हैं और पूर्ति भी असीमित है। भगवान असीम इच्छाएं भले भगवान की हों, लेकिन वो असीम इच्छाएं भगवान स्वयं ही अपनी असीम शक्ति से पूरी करते हैं। प्रत्येक वस्तु असीम होने के कारण यहाँ पर संक्षेप में सर्व कामम अर्थात सभी वांछनीय वस्तु इच्छाओं से पूर्ण कहा गया है। यानी कि अब क्योंकि असीम शक्ति है, असीम इच्छाएं हैं, असीम वर्णन है, तो उसको यहाँ पर सूत गोस्वामी ने एक ही शब्द में वर्णन कर दिया है, सर्व कामम अनुत्तमम, समस्त इच्छाएं मतलब सब प्रकार के भोगों की सामग्री प्रचुर मात्रा में है। इस तरह के दिव्य भवनों में अब भगवान प्रवेश कर रहे हैं 16108 स्वरूपों में। तो कल हम पढ़ेंगे कि वो अपनी पत्नियों से किस प्रकार मिले और पत्नियों ने भगवान को अपना प्रेम किस प्रकार से समर्पित किया। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।